स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूंगा, लगभग 20-25 दिन से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी लोगों ने कॉल्स किया। जो ट्रैक हमारा है इंसानियत की सेवा, लोगों के पास पहुंचना, वो 20-25 दिन से बिल्कुल कट ऑफ था। कारण था कि कुछ नियम भगवान ने बनाए हैं, कुछ नियम उस ऊपर वाले ने बनाए हैं जिससे कोई भी वंचित नहीं है। जो आएगा संसार में उसको एक दिन जाना है। ऐसा ही मेरे परिवार में भी हुआ, तो उसी में थोड़ा उलझ कर रह गया था। कुछ जिम्मेदारियां थी, उसको निभा रहा था। हालांकि अब मैं आपके साथ सोच के यही आया हूं कि अब आपसे मुखातिब रहूंगा, अगर भगवान ने चाहा तो। एक और दर्दनाक तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वक्त मैं हूं पाइनतीर्थी में, पाइनतीर्थी रेडियो स्टेशन के बिल्कुल सामने वहां पे हूं। हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत प्रोग्रेस कर ली, वादे भी किए और ये कहते भी हैं हम, लेकिन हमने इंसान के लिए कुछ नहीं किया। हमारे सामने इंसान सड़क पे मर जाता है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उसको उठा के ले जाती है, लावारिस की तरह उसका संस्कार कर दिया जाता है, खेल ख़त्म। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सिर्फ तमाशा देखते हैं। जब मैं हम कह रहा हूँ तो इसमें सभी सरकारी एजेंसियाँ आती हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं, सभी कर्मचारी आते हैं, सभी कार्यालय आते हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इंसान मुश्किल में है तो उसको वहाँ से कैसे निकाला जाए। शायद इसीलिए सरकारी अस्पताल हैं, शायद इसीलिए ये कार्यालय बनाए गए थे, लेकिन हमने आंख मूंद के रखी है, इंतज़ार करते हैं, मर जाएगा, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, ले जाएंगे उठा के। ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक 25 से 30 साल का युवक है, ये अपना नाम अंकित बताता है। अंकित मेंटली बिल्कुल फिट है, मैंने इसे बात की, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा देर से जिंदा नहीं रहेगा अगर इतनी ठंड में यहाँ रहा। और पिछले दस दिन से लगातार यहीं पे लेटा हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इनको कंबल वगैरह, कपड़े वगैरह दे दिए। कुछ कपड़े वगैरह इनको दे दिए, लेकिन ये कब तक सरवाइव करेगा पता नहीं। मुझे पता है कि जो सरकारी कार्यालय हैं, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई कार्यालय ऐसा है, अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान मर रहा हो उसको कैसे बचाना है, ऐसी प्रावधान है, अगर वो कोई देख रहा है तो जनाब इस अंकित को बचा लो, ये थोड़ी देर में मर जाएगा यहाँ पे। और जो एनजीओ, जो लोग ये देख रहे हैं वो तो सामने आएंगे, मुझे पता है इसके लिए कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जिन लोगों का काम है उनको ये करना चाहिए। 10 दिन से यहाँ पे है, शायद लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अंदर ही होगा इस वक्त, 10 दिन से यहाँ से हिला नहीं है, स्थानीय लोगों ने बताया। आपका नाम क्या? अंकित। यहाँ क्यों लेटे हो? मेरा कोई ना बाबा परदेसी मार के भजा दिया घर से, बेदारी करता था, ऐसे में डरा। यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे पहुँचे? ऐसे में डरा बाबा, गाड़ी आ जाए, रेलगाड़ी आ जाए, जलम में जलती थी बाबा। ऐसे में खाना खाया? आज खाना खा रहे हो? कुछ ना खाया बाबा, भूखा रहता हूँ, रोता हूँ खाली बस। घर कहाँ पे है तुम्हारा? फिरोजाबाद बाबा, फिरोजाबाद। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा सब है बाबा। उनका किसी का फोन नंबर याद है कुछ? मेरा पानी रहता न पड़ू बाबा। किसी का नंबर याद है, फोन नंबर? मेरे पापा का यार, मेरे पापा पर नोकिया का फोन है बस खाली। नोकिया का नहीं, नंबर याद है किसी का घर में? नंबर याद है ना बाबा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं रेलगाड़ी से आया बाबा, दुनिया ने मारा, खून बह गया मेरा, मारती दुनिया, अभी खून कर लिया बहुत तेज बाबा जी, कहना पाऊंगा मरे कुछ हो ना रहा पाए आदमी। रात को यही होते हो? रात को? हाँ रात को यही सोता, ठंड लग रही, क्या करे। इसका नाम अंकित भूल जाओ, किस याद से है भूल जाओ, किस स्टेट से है भूल जाओ, इतना याद रखो ये इंसान है, ये इंसान है, मुश्किल में है, क्या कर सकते हैं इसके लिए।
मुझे उम्मीद है कि जो एनजीओज हैं, जो लोग इस ओर काम कर रहे हैं, मैंने देखा अभी ड्राइव चल रही है, कुछ लोग ड्राइव चल रहे हैं, श्री गुरु अमरदास ट्रस्ट के लोग हैं, कार्तिक साहब हैं, चिंकल साहब हैं, सुखदेव साहब हैं, वो बड़े नाम हैं, राहिल साहब हैं, बड़े नाम ऐसे हैं जो ड्राइव चलाते हैं, कपड़े देते हैं, जो इस सर्दी में सर्दी से जूझ रहे हैं, वे ये लोग तो सामने आ जाएंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे उतनी ही उम्मीद है सरकारी एजेंसी से, जनाब अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत आप यहाँ आए, आपकी गाड़ी यहाँ आए, इसको उठा के ले जाएं, तो वाकई मैं मानूं कि तरक्की की है हमने, हमने इंसान के लिए तरक्की की है, इस इंसान को बचा सकते हैं। ये लोग हैं वो हैं जो लगातार 10 दिन से इसको खाना दे रहे हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ये कितना कर सकते हैं? कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या साहब? राजेश। राजेश जी कब से यहाँ पे है? ये कोई हफ्ता हो गया हुआ है, यहाँ पे ही है, लेटा हुआ है, ना उठता है ना कुछ है, मतलब ये खाने के लिए भी इधर से ही मांगता रहेगा, इसको कपड़ा भी मिल नहीं रहा है, इसको मतलब बाथरूम भी कहीं जाना हो तो ये उठता ही नहीं है, यहीं पे लेटा है 10 दिन से सब कुछ, बिल्कुल जी 10 दिन से इधर ही लेटा हुआ है, तो सारी गंदगी यहीं पे होगी, गंदगी इधर हो रही है। अभी हमने दो तीन बार पहले भी, दो तीन दिन पहले भी कोशिश की थी अप्रोच करने की, पर कोई आया नहीं इसको उठाने के लिए या कुछ है। आपने यहाँ के जो नजदीकी थाना है पाइन चिट्ठी में, वहाँ बात की? वहाँ पे अभी खाली अभी मतलब पुलिस वालों को बोला है, पर डायरेक्ट जाके हमने बात नहीं की। कितनी देर पहले बोला है? ये दो तीन दिन पहले की बात है, ये मोहल्ले वालों ने, इन्होंने बात की थी एक दो बंदे से, पर वो मतलब उन्होंने बस वही डिले करते रहे, कोई वो नहीं एक्शन लिया या कुछ है। अब तो ये मतलब इतना वो करने लगा है, परेशान करने लगा है पूरी रात की, मतलब उठता ही नहीं है और रोता रहेगा, पूरी रात रोता रहता है। यहाँ तो इसको सर्दी लगती है, यहाँ तो इसको कोई प्रॉब्लम है जो मतलब हम तो बता नहीं सकते ना इसको क्या प्रॉब्लम है, पर ये मतलब आपको लगता है यहाँ तक यहाँ रहा तो मुश्किल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है तो ये एक दो दिन में, एक दो दिन भी निकाल जाए बहुत बड़ी बात है, अगर इसको नहीं उठाया तो। आप लोग सब यहीं के हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार। राजकुमार साहब क्या करते हो यहाँ पे? क्या मेरी शॉप है? इधर इलेक्ट्रिशियन की शॉप है। मुश्किल में है? हाँ जी, आदमी बड़ा मुश्किल में है, गरीब बंदा है, चौकी अफसर भी एक दो बार आए थे इधर देखने के लिए इसको, तो उन्होंने भी उठाया इसको, लेकिन ये बीमार है। बीमार है? हाँ बीमार है, लेकिन बीच में सब कुछ कर देता है ये। आप लोग भी यहीं के? क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह जी किस तरह की आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, खाना वाना दे रहे हो उसको? खाना वाना चाय शायद दे देते हैं सर खाने को, पर दे बड़ी तकलीफ में है सर बेचारा, मुश्किल में है, दुख होता है देखकर। दुख होता सर, थोड़े दिन पहले भी मीडिया में दिया था, वो टीवी में चला भी था, पर कोई आया नहीं पूछने से, कोई एक्शन नहीं, कोई आया नहीं, चार पाँच दिन पहले दिया था तब भी कोई नहीं आया अभी तक। मीडिया तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, जिन लोगों ने एक्शन करना होता है वो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया साहब। अब उम्मीद करते हैं कि ये अंकित जो है आज की रात यहाँ ना गुजारे, वो कैसे पॉसिबल है ये मुझे पता नहीं, इसका रास्ता आप लोग बनाते हो। इन लोगों ने 10 दिन से यहाँ इसकी जो खाना चाहिए, जो रोज़ की ज़रूरतें होती हैं उसको वो अंजाम दे रहे हैं। और आपको बता दूं इसके सर के बिल्कुल पीछे नाला चल रहा है, नाली चल रही है, और यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है, इतनी यहाँ पे बदबू आ रही है। लेकिन ये इंसान है, चाय पिला दो भाई, चाय पिला दो, ये इंसान है। उम्मीद करता हूँ कि सरकारी लोग भी सामने आए जनाब, ऐसा ना हो कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी तभी आए जब चीज़ें हाथ से निकल जाएं, उससे पहले आप लोग आ जाओ। अगर हमने इस सड़क के पड़े हुए इंसान के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमने कोई तरक्की नहीं की, अगर हमने इंसान के लिए कुछ नहीं किया तो फिर हमने सिर्फ बिल्डिंगें ही खड़ी की हैं और कुछ नहीं किया, अपने घर ही भरे हैं और कुछ नहीं किया। अगर हमारे सामने एक इंसान मर जाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। एक बार फिर बता दूं, पाइनतीर्थी के रेडियो स्टेशन के बिल्कुल सामने ये इंसान पड़ा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है मौत का और आपका, देखें पहले कौन आता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।